आज खोड़ बेले बनाएंगे। ये साउथ की डिश है, चावल के आटे से बनता है। मैंने 4 ग्लास चावल का आटा लिया है, 1 ग्लास मैदा इसमें डाल रही हूँ, 1 ग्लास बुगरे का आटा, बुगरा मिक्सी करके वो इसमें डाल रही हूँ, 1 स्पून हींग, 1 मुट्ठी नमक, 1 मुट्ठी मिर्ची पाउडर, लाल बहुत नहीं रहना चाहिए, 1 मुट्ठी तिल, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें सोडा 1/4 स्पून से भी कम, समझो 4 चिटकी सोडा डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी 1/2 ग्लास गरम तेल अच्छी तरह से गरम करके वो इसमें डाल रही हूँ। इसको एक करछी से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि तेल गरम है, हाथ नहीं डाल सकते अभी, तो करछी से मिक्स करेंगे पहले। जिस ग्लास से चावल का आटा माप करते हैं, उसी ग्लास से बुगरे का आटा, तेल सब माप एक ही में करना है। देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे हाथ से, तेल सारा मिक्स हो जावे। अभी इसको एक छोटे बर्तन में थोड़ा थोड़ा लेकर के मिलाएंगे, एक ही बार नहीं मिलाना है। देखिए ऐसा पानी डाल के, जैसे हम चपाती का आटा गूंजते हैं ना, ऐसे इसको गूंज लेंगे। देखिए इसको गूंज लिया है। अभी इसको लोई बनाएंगे, छोटा छोटा, पूरी का जैसे हम लोई बनाते हैं ऐसा। तो एक एक लोई लेकर के पत्थर के ऊपर या चकुले के ऊपर ऐसा इसको शेप देंगे। देखिए ऐसा, ये 2 सर्कल का बनाने से अच्छा रहेगा। देखिए ऐसा थोड़ा लंबा करने से, कट कट नहीं रहना चाहिए, नाइस रहने से अच्छा है। देखिए ऐसा, मैं और 1-2 दिखाती हूँ। ऐसा देखिए, इसको ऐसा घुमा के ऐसा, एक दो करने से आ जाएगा, मेहनत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। देखिए ऐसा सब लोई को बना लिया है। अभी इसको तलेंगे, तेल गरम हो गया है। अभी तेल में एक एक करके मैं डाल रही हूँ। देखिए डालते ही करछी डाल के घुमाना नहीं है, 1 मिनट छोड़ के ऐसे घुमाना है। देखिए घुमाते रहने से चारों तरफ एक ही कलर आता है। अब ये बन गया है बादाम कलर, जब बन जाता है रोज कलर। देखिए ऐसा, तो इसको निकाल देंगे तेल सारा निचोड़ के। देखिए ऐसा हिलाने से तेल सब निकल आता है। तो ये एक छेद वाले बर्तन में डाल के रखने से बाकी तेल भी निकल जाएगा, और जो बचा है उसको भी ऐसे ही तेल में डाल के तल लेंगे। ये
कोल्ड में ले हम एक मास भी प्रिजर्व कर सकते हैं, एयर पैक बॉक्स में डाल के रखने से खस्ता रहेगा और शाम के टाइम स्नैक्स में भी अच्छा लगेगा। देखिए अभी बन गया है। एक आप तोड़ के भी देखने से ना पका हुआ नहीं पका हुआ मालूम पड़ जाता है, अंदर से भी खस्ता बिस्किट जैसा रहेगा। पाव वाले ग्लास से जो हम बनाते हैं उसमें 100 कोड़ बेले बन सकता है। कोड़ बेले रेडी।